हेलो फ्रेंड्स, मेरा रविकांत है और कॉम्पिटिटिव वर्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का पार्ट नंबर 2। ये 10th चैप्टर है। इससे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है जो उसका अपलोड कर चुका हूँ, क्लियर है। यहाँ से हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री की जितने भी वीडियोज है सभी मैंने एक प्लेलिस्ट में बना दिया, उसको आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो हिस्ट्री की वीडियो जैसे मैं अपलोड करता हूँ थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाता है। आप लोगों ने क्या करना है कि जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक कर ले। जैसे ही जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास वो मैसेज चला जाएगा, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। 10th चैप्टर का नाम क्या है? कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में कर रहे हैं। इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 9 से लेकर 12th तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ये सभी वीडियोज यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे यूपीएससी, एसएससी, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अगर कोई प्रेपरेशन कर रहा है तो ये वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की प्लेलिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं और इनको शेयर करें। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो ले सकता है, नीचे नंबर गिवन है कमेंट सेक्शन में। मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे, आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, ठीक है, जो फर्स्ट के कुछ पार्ट से, आई थिंक 6 पार्ट से, वो सभी मैंने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दिए थे। जो सेकंड यहाँ पे हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे टॉपिक है द हो एंड द प्लो। हो क्या होता है? यहाँ पे जो दाती होती है, जो फावड़ा टाइप होता है, और प्लो क्या होता है? जो हल होता है, ठीक है। आई होप आपको इन दोनों के बारे में पता होगा। यहाँ पे हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें वो क्या है कि इन द हिल्स ऑफ अ राजमहल। राजमहल की जो पहाड़ियाँ, ठीक है, उसमें देखते हैं कि क्या था 19th सेंचुरी में, ठीक है, यहाँ पे बात चल रही है 19th सेंचुरी में। बुकानन, इसने यहाँ पे जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे इसने ट्रैवल करा था, ठीक है। ये ट्रैवल करता था, जो भी चीज़ें होती थी उसको वो अपनी डायरी में लिखता था और उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करता था कि क्या क्या वो देखता था, क्लियर है, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करता था। ये जो पहाड़ी इलाका था ये बहुत ही ज़्यादा डेंसली था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गंतव वाला था, ठीक है, संगन, जैसे संगना बोलते हैं ना, जैसे जिसको, ठीक है, वो था, यानी कि बहुत सारी पहाड़ियाँ वगैरह थी, ठीक है, वैलीज वगैरह। ऐसे में ये इनसे गिरा रहता था। यहाँ पे ये जो एरिया था जहाँ पे ये ज़्यादा था, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता था। यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे जाते थे वो बहुत ही साहस वाले होते थे, ठीक है ना। जिवें इवन की जो बुकानन है, अगर ये जाता था, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एजेंट था। ये क्या करता था, एक पूरी सेना लेके, यानी कि जाता था जिस भी इलाके में यहाँ पे जाता था। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ पे भी ये जाता था वहाँ पे जो लोग होते थे वो इसको एक दुश्मन की तरह यहाँ पे देखते थे, ठीक है, और वो यहाँ पे चिंतित रहते थे कि कोई भी अगर बाहर वाला अगर इंसान आ जाता था तो उसको एक ऐसे दुश्मन की तरह देखते थे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम जो लास्ट टॉपिक होगा वो हम यहाँ पे करेंगे वीडियो के लास्ट में, बुकानन के बारे में, क्लियर है। और यहाँ पे इनसे कोई बात करके कोई भी राजी नहीं था, ठीक है, जब ये बुकानन आता था उनसे बातचीत करता था, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ही व्यापारी था। ऐसे में इससे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की जाती थी। जहाँ पे ये जाता था वो जहाँ पे लोगों से मिलता था, क्या देखता था क्या नहीं, वो अपनी एक जो इसकी डायरी होती थी उसमें ये लिखता था, ठीक है, बेसिकली जैसे लोगों के क्या क्या कल्चर्स वगैरह हैं, क्या क्या फॉलो करते हैं, क्या क्या वहाँ पे मेनली चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं उन सभी के बारे में ये लिखता था। जो यहाँ पे पहाड़ों में लोग रहते थे उनको यहाँ पे क्या बोला जाता था? उनको यहाँ पे पहाड़ीज बोला जाता था, ठीक है, यानी कि पहाड़ी बोला जाता था जो वहाँ के लोग यहाँ पे रहते थे। ये जो राजमहल की पहाड़ी हैं, ठीक है, उनके अराउंड ये, ठीक है, पहाड़ों में वहाँ पे रहते थे जंगलों में, इसलिए इनको यहाँ पे जंगली, ठीक है, यानी कि बोला जाता था। ये डिपेंड रहते थे जंगलों के ऊपर, ठीक है, जंगलों में जैसे जो भी फल फ्रूट वगैरह, फल हो गया, ठीक है, फूल हो गया, इनके ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहते थे। और यहाँ पे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या करते थे, ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट चैप्टर्स में भी आपको यहाँ पे बताया था कि क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, लास्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट में भी बताया था मैंने डिटेल में। क्या होता था, जैसे लेट्स सपोज कि ये चार एरियाज हैं जमीन के, जैसे ये क्या करते थे,
पहले यहाँ पे खेती किया करते थे, ठीक है। ऐसे 1-2 साल इन्होंने यहाँ पे खेती की, फिर यहाँ पे आगे चले जाते थे और ये जो जमीन होती थी इसको वो जला देते थे। फिर वो यहाँ पे खेती करते थे, इसको छोड़ के वो तीसरी जगह चले जाते थे, इसको जला देते थे। जलाने का मेन मकसद होता था जो लाइक वहाँ पे ये जमीन है वो फिर से उपजाऊ बन जाए, ठीक है, जो इसके पोटाशियम लाइक न्यूट्रिशंस हैं वो फिर से वापस आ जाएं। सो ऐसे में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंड रहते थे, एक जगह को दूसरी जगह, सो ऐसे में ये मूव करते रहते थे। सो जो पहाड़ी लोग थे उनके द्वारा यहाँ पे अलग अलग जो फसलें हैं वो उगाई जाती थी, जैसे दालें इनके द्वारा उगाई जाती थी, मिलेट्स इनके द्वारा यहाँ पे उगाई जाती थी, जो ज्वार या बाजरा, ठीक है, वो इनके द्वारा यहाँ पे उगाए जाते थे। और इसी के साथ में यहाँ पे ये जंगलों से जो कलेक्ट करते थे, जैसे जो महुआ जो फूल होते हैं, ठीक है, खाने के लिए उसको यहाँ पे कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। सो किस टाइप के होते थे, जो महुआ ट्रीज होते हैं ना, आई होप आप लोगों ने यहाँ पे देखे होंगे, सो इस तरह के होते हैं। सो ऐसे में इन यहाँ पे ये फल लगते हैं, ठीक है, जो थोड़े खट्टे मीठे से होते हैं, आई होप आप लोगों ने खाए होंगे अगर तो, ठीक है। सो ये तोड़ के इनको वो खाया करते थे। सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। और इनके द्वारा क्या क्या कलेक्ट किया जाता था, जो सिल्क कोकून्स हो गया, रिसिन्स हो गया, ठीक है, ये बेचने के लिए इनका इस्तेमाल यहाँ पे क्या करते थे, जैसे वो रेशम का कीड़ा होता है ना, सो रेशम बनाने के लिए जिसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे ये रेशम का कीड़ा हो गया, ठीक है। सो इसके द्वारा यहाँ पे रेशम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ये मेनली जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे पाया जाता है और इसके द्वारा रेशम यहाँ पे बनाया जाता है। सो इसी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, कपड़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे जो चारकोल है, ठीक है, जो कोयला हो गया, लकड़ी से बनता है ये, ठीक है, सो वो भी यहाँ पे इनके द्वारा यूज़ किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था। सो इनका बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल किया करते थे। सो ये जो पहाड़ी लोग थे ज़्यादातर ये जंगलों के ऊपर ही डिपेंड करते थे, मतलब कि यहीं से जो भी खाना पीना होता था, शिकार करना, सभी यहीं से वो किया करते थे। सो ये रहते कहाँ पे थे, ये जो झोंपड़ियाँ होती थी वहाँ पे रहते थे, जो इमली के बाग, ठीक है, जहाँ पे पेड़ पौधे थे वहाँ पे रहते थे। और अगर तो इन्होंने विश्राम करना था, रेस्ट करनी थी, तो कहाँ पे करते थे, जो मैंगो ट्रीज, जो आम के पेड़ होते हैं उसकी जो छाँव होती है उसके नीचे वो रेस्ट यहाँ पे किया करते थे। ये क्या करते थे, ये पूरा जितना भी रीजन होता था उसी को अपना ही ये मानते थे, ठीक है, कि हाँ जितनी भी जमीन है ये सभी इन्हीं की जमीन है, क्लियर है, जो जितना भी यहाँ पे जमीन होती थी उसको सभी वो अपना ही मानते थे। सो यहाँ का जो सरदार होता था, सो वो क्या करता था, यहाँ पे जितना भी यहाँ पे समूह होता था लोगों का, उनमें यहाँ पे यूनिटी बना के रखता था और यहाँ पे जितने भी इनके झगड़े वगैरह होते थे सभी को वो सॉल्व करवाने का वो उसके द्वारा यहाँ पे काम किया जाता था, जो यहाँ का सरदार होता था। और इनके द्वारा क्या क्या किया जाता था, जो पहाड़ी लोग थे वो क्या करते थे, जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट जो लोग थे, ठीक है, मतलब कि जो परमानेंट वहाँ पे रह रहे हैं शहरों में या आसपास प्लेन एरिया में, वहाँ पे वो अटैक हमला कर देते थे। क्यों कर देते थे, सो वो अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, जैसे ही कोई अकाल की समस्या आ रही है तो वो क्या करते थे, इनके ऊपर हमला कर देते थे, इनका जो भी खाने पीने का सामान वगैरह जो भी यहाँ से वो लूट के यहाँ से चले जाते थे, क्लियर है। और कभी कभी तो ये अटैक इनके ऊपर क्यों करते थे, क्योंकि वो अपनी यहाँ पे पावर दिखाना चाहते थे कि हाँ हम ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। सो ऐसे में भी इनके द्वारा यहाँ पे अटैक किया जाता था, जो भी प्लेन एरियाज में यहाँ पे सेटल्ड थे, जो भी यहाँ पे परमानेंट जो खेती किया करते थे, ठीक है, क्योंकि ये जो पहाड़ी लोग थे ये क्या करते थे, ये तो एक जगह से दूसरी जगह तो मूव करते रहते थे, ये तो शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है वो किया करते थे, लेकिन इनके ऊपर ये अटैक किया करते थे। और यहाँ पे जो जमींदार थे प्लेन एरिया में जो लोग रहते थे, ठीक है, जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे, ठीक है, सो उनके द्वारा क्या किया जाता था, वो शांति को खरीदते थे, ठीक है। शांति को अब कैसे खरीदा जा सकता है, जो यहाँ पे चीफ होते थे, जो जंगलों में जो लोग रहते हैं, ठीक है, जो पहाड़ी लोग रहते हैं, उनको यहाँ पे वो ट्रिब्यूट देते थे, मतलब कि बेंट देते थे, जैसे पैसा वगैरह था, धन वगैरह वो यहाँ पे दिया करते थे, जैसे प्रोडक्शन कोई भी फसल में कुछ भी हिस्सा वगैरह दे दिया। सो ऐसे में जो जमींदार थे वो इन सरदारों को यहाँ पे रेगुलरली यहाँ पे दिया करते थे कि वो यहाँ पे शांति बना के रखें, यहाँ पे कोई भी अटैक ना करें।
अगर तो यहाँ पे किसी भी जो व्यापारी होते थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्या करना होता था, जो जंगलों के थ्रू यहाँ पे एक रास्ता होता था, उसको यहाँ पे पार करके वो क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो ऐसे में ये जो रास्ता होता था वो खतरनाक होता था, क्योंकि ये जो पहाड़ी लोग थे, इन्हीं के जो लोग थे वो यहाँ पे हर वक्त पहरा देते थे। जैसे ही कोई लोग यहाँ पे जाता था वो उनके ऊपर अटैक कर देते थे। सो जो ट्रेडर्स थे या क्या करते थे, यहाँ पे कुछ अमाउंट थी वो इन जो पहाड़ी लोगों को यहाँ पे सरदारों को यहाँ पे दे दिया करते थे। सो ऐसे में उनके यहाँ पे परमिशन मिल जाती थी कि वो इस रोड से यहाँ पे इजिली जा सकते हैं। और ये क्या करता था, जो सरदार होता था अपने जो लोगों को बोल देता था कि ये जो ट्रेडर है इसने यहाँ पैसे दे दिए, इसको यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना होना चाहिए, ठीक है। सो जो भी यहाँ पे टोल पे कर देता था, सो उस सरदार था उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल जाती थी उस ट्रेडर्स को। क्लियर है? सो आई होप आपको ये जो फर्स्ट टॉपिक है वो समझ में आया होगा। सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। सो प्रॉब्लम्स फॉर पहाड़ीज, जो पहाड़ी लोग थे उनके यहाँ पे क्या क्या समस्याएं थी, ठीक है। सो वैसे तो ये फर्स्ट टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी था, सो इसी में से मैंने इसको ब्रेक कर लिया। सो देखते हैं कि इनके साथ यहाँ पे जो पहाड़ी लोग थे क्या क्या समस्याएं थी। सो जो लास्ट डिकेड था 18th सेंचुरी का, ठीक है, तब की बात है। सो जो ये पहाड़ी लोग थे इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना करना पड़ा था। क्लियर है? सो यहाँ पे जो सेटल्ड एग्रीकल्चर थी, ठीक है, उसकी जो सीमा थी वो इंक्रीज होती जा रही थी। मतलब कि जो लोग यहाँ पे खेती कर रहे थे उसका जो एरिया था वो हर साल यहाँ पे इंक्रीज करते जाते थे, ठीक है, इंक्रीज करते जाते थे, क्योंकि जंगलों की कटाई वगैरह, ठीक है, वो एरिया भी इसी में इंक्लूड कर लेते थे। सो इनके लिए तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होनी थी, ठीक है। जो ब्रिटिश लोग थे वो भी क्या कर रहे थे, इसको सपोर्ट कर रहे थे कि जो फॉरेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा काटा जाए। अगर तो जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जाएगा, खेती के लिए उसको यूज़ किया जाएगा, जो लोग यहाँ पे खेती करेंगे सो वो ब्रिटिशर्स को फिर उनको टैक्स देना पड़ेगा। सो ब्रिटिशर्स के लिए तो ये अच्छी बात थी। सो ऐसे में वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को काटा जाए और उसको भी यहाँ पे खेती के लिए यूज़ किया जाए। क्लियर है? सो यहाँ पे जो ज़मींदार लोग थे, जो जोधर थे, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। सो इन्होंने क्या किया, अनकल्टीवेटेड जो ज़मीन थी उसको यहाँ पे वो चावल वगैरह इन्होंने उगाने शुरू कर दिए यहाँ पे। और ऐसे में जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए जैसे ही ये सेटल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, इंक्रीज होती थी उनके लिए तो बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि यहाँ पे जो रिवेन्यू सिस्टम था वो भी उनका बढ़ जाता था। सो ऐसे में ये इनके द्वारा भी सपोर्ट किया जाता था। सो जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज लोग थे, इन्होंने यहाँ पे महसूस किया कि जो जंगलों में लोग रहते हैं, ठीक है, सो ये क्या है, यहाँ पे ये जंगली लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे ये अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य लोग हैं, और यहाँ पे इनको गवर्न करना, इनके ऊपर हुकूमत चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये क्या करते थे कि ये जंगलों को यहाँ पे काट दिया करते थे, उनको साफ कर दिया करते थे, वहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर करते थे, इस्टेब्लिश करते थे, और यहाँ पे जो जंगली लोग थे वो चाहते थे कि इनको भी अपने ही अंडर यहाँ पे लिया जाए और इनको यहाँ पे सिविलाइज्ड यहाँ पे बना दिया जाए कि अच्छे से ये लोग रहें, खेती करें, ठीक है, खेती करेंगे, वहाँ से टैक्स वगैरह आएगा, सो इनका ही यहाँ पे बेनिफिट होगा जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। सो इनके द्वारा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता था। सो ये इसलिए इनको यहाँ पे सपोर्ट करते थे। अब यहाँ पे जैसे ही जो सेटल्ड एग्रीकल्चर है वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, जो यहाँ पे जंगल है और जो यहाँ पे चारागाह, ठीक है, जो यहाँ पे मैदान है वो क्या हो रहे थे, वो बिल्कुल ही यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहे थे। क्योंकि ये क्या करते थे, यहाँ पे जो जंगल है उनको तो यहाँ पे काट दिया करते थे, सो वो डिक्रीज हो रहे थे। यहाँ पे जो सेटल्ड एग्रीकल्चर थी वो यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रही थी। सो इसी के साथ में यहाँ पे जो लड़ाई थी वो और भी ज़्यादा तेज हो चुकी थी, जो पहाड़ी लोग थे और जो सेटल्ड कल्टीवेटर्स थे, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई थी वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। ये उनके ऊपर हमला करते थे और क्या करते थे, जो भी इनका फूड ग्रेन्स होता था, खाने पीने का सामान, और जो भी इनके पशु होते थे वो इनको यहाँ पे ले जाते थे, जो जंगली लोग होते थे। और यहाँ पे
जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जो यहाँ पे अंग्रेज लोग थे, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत कोशिश की इनको कंट्रोल करने की, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, इनको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इवन कि वो क्या करते थे, इन लोगों के ऊपर भी हमला कर देते थे जो ब्रिटिश लोग थे, और ये कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि वो तो जंगलों में रहते थे। ठीक है, ऐसे में इनके द्वारा इतना ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। 1770 के दशक में यहाँ पे जो ब्रिटिश हैं उन्होंने ब्रूटल पॉलिसी अपनाई। ब्रूटल पॉलिसी होती है जो क्रूर पॉलिसी होती है, मतलब कि बिल्कुल भी दया वगैरह ये नहीं करते थे। जैसे ही पहाड़ी लोग इनको मिल जाते थे, उनका पहले शिकार करते थे और उसको जैसे ही मिल जाते थे मार देते थे। सो ऐसी रणनीति जो अंग्रेजों लोगों के द्वारा यहाँ पे अपनाई गई थी। और यहाँ पे जो 1780 का दशक था, उस टाइम में जो भागलपुर का कलेक्टर था, ठीक है, क्लीवलैंड, उसने यहाँ पे क्या करा, उसने यहाँ पे शांति की नीति को अपनाया। ठीक है, उसमें वो क्या करता था, जो भी यहाँ पे पहाड़ी सरदार थे उनको यहाँ पे एन्युअल अलाउंस दिया गया, मतलब कि जो साल का खर्चा पानी है वो दिया गया, और यहाँ पे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई कि वो यहाँ पे पूरा कंट्रोल रखेंगे अपने आदमियों के ऊपर, यानी कि उनको समझाने का काम करेंगे, किसी के ऊपर यहाँ पे कोई भी अटैक वगैरह ना किया जाए, शांति बना के रखी जाए। सो ये सभी काम इनके द्वारा यहाँ पे किए गए थे, जो कलेक्टर था भागलपुर का, दैट इज क्लीवलैंड। पर यहाँ पे जो बहुत सारे पहाड़ी सरदार थे उन्होंने यहाँ पे मना कर दिया था कि हम तो ये अलाउंसेस नहीं लेंगे भी, हम तो ऐसे ही यहाँ पे चलेंगे। लेकिन कुछ जो सरदार थे जिन्होंने यहाँ पे इसको स्वीकार कर लिया था, जो इनके द्वारा अलाउंस दिया गया था, उनकी जो सत्ता थी वो खत्म हो गई, मतलब कि उनको अपनी ही कम्युनिटी से निकाल दिया गया कि हाँ तूने उनसे पैसे क्यों लिए। क्लियर है? सो ऐसा हुआ था। सो उसके बाद यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम थी वो स्टार्ट हुई। जैसे ही यहाँ पे संथाल जो लोग थे, संथाल, ठीक है, ये जो लोग थे जब ये यहाँ पे आए, तब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम थी, वो खतरा इनके लिए यहाँ पे पैदा हो चुका था। सो यहाँ पे जो पहाड़ी लोग थे, जो इनका जीवन, ठीक है, जो भी इनका सिंबल था वो क्या था, यहाँ पे हो, मतलब कि जो ये फावड़ा होता है, और जो संथाल लोग थे, ठीक है, इनका यहाँ पे जो सिंबल था वो क्या था, हल। अब यहाँ पे जो लड़ाई थी, ठीक है, वो देखने को मिली यहाँ पे जो हो एंड प्लो के बीच में। ठीक है, बहुत लंबी लड़ाई चली इन दोनों के बीच में, जो यहाँ पे कुदाल और जो हल, ठीक है, फावड़ा और हल के बीच में, यहाँ पे दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी ये देखने को मिलेगी। सो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो दोनों के बीच में यहाँ पे हुई थी। सो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे जो संथाल लोग थे उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे वो सेटल हुए, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं। सो चलिए देखते हैं क्या था। जो संथाल लोग थे, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले कहाँ पे आए थे, बंगाल में आए थे, अराउंड जो 1780 का दशक है वहाँ पे। सो जो जमींदार थे उनके द्वारा इनको हायर किया गया था कि यहाँ पे जो नई जमीन है उनको बनाया जाए, मतलब कि जो जंगल है उनको यहाँ पे काट दिया जाए और यहाँ पे खेती के लिए जमीन को बनाया जाए, और यहाँ पे जमीन है जो खेती के लिए वो बन जाए, ठीक है, एक्सपेंड हो जाए, यहाँ पे बढ़ जाए कल्टीवेशंस के लिए। सो ये काम कि इनको दिया गया, संताल जो लोग थे इनको यहाँ पे दिया गया था। और यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो तो बिल्कुल ही असफल हो चुके थे, क्योंकि जो पहाड़ी लोग थे उनके ऊपर कंट्रोल वो नहीं कर पाए थे। सो ऐसे में जो ब्रिटिश थे इन्होंने क्या करा, इनको इनवाइट करा कि हाँ भी आप जो जंगल महल्स हैं, मतलब कि वहाँ पे जाके आप सेटल हो जाओ, ठीक है, बहुत सारी ज़मीन है। सो इनके द्वारा मोटिवेट किया जाता था इनको। सो जो संथाल लोग थे वो क्या करते थे, वो जंगलों को यहाँ पे साफ करते थे बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी झिझक के वो जंगलों को काटते जाते थे, और यहाँ पे जो वो खेती करते थे, जो जमीनों को उनके द्वारा जोता जाता था, वो पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ वो यहाँ पे काम करते थे। जो संथाल थे इनको यहाँ पे लैंड दी गई, ठीक है, इनके द्वारा, और यहाँ पे इनको राजी किया गया कि ये यहीं पे सेटल हो जाएं, ठीक है, इन्हीं की अपनी ज़मीन है, जैसे मर्जी यहाँ पे ये खेती करें, ठीक है। सो इनको क्या करना है, थोड़ा बहुत टैक्स देना है। सो इनको यहाँ पे राजी किया गया अंग्रेजों के द्वारा, जो राजमहल के अराउंड यहाँ पे पहाड़ियाँ थी, ठीक है, उसके वहाँ पे इनको सेटल किया गया। सो इनको राजी कर लिया गया था, जो संथाल लोग थे। सो 1832 में
क्या हुआ कि जो बहुत बड़ा हिस्सा था जमीन का, ठीक है, उसको यहाँ पे सीमांकित किया गया। सीमांकित किया गया एज अ दामिन ए को, क्लियर है। जैसे कि जो जमीन थी वो जो संथाल लोग थे इनको यहाँ पे दे दी गई थी, मतलब कि जैसे बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे ये सीमांकित कर दिया गया था कि हाँ ये जो जमीन है वो इस फलाने बंदे की है, ये इसकी है, ये इसकी है। ऐसे में ये जो जमीनें थी वो इनको यहाँ पे दे दी गई थी, ठीक है। यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये जो जमीन है वो किनके है, वो संथाल लोगों की है। ऐसे में सीमांकित यानी कि जो बाउंड्री वगैरह वो तैयार कर दी गई थी, ठीक है, जिसको यहाँ पे दामिने को के नाम से जैसे रेफर किया गया था, ठीक है। अब ये क्या कर सकते थे, ये यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे ये खेती किया करते थे हल के साथ, और यहाँ पे ये जो किसान थे वो सेटल हो चुके थे, क्लियर है। और यहाँ पे ये जो जमीन इनको यहाँ पे दी गई थी, वहां पे एक कंडीशन थी कि एटलीस्ट जो इसका जो भी एरिया इनको दिया गया था उसका जो 1/10 जो हिस्सा है, ठीक है, जो एरिया है 1/10 जो हिस्सा है उसको यहाँ पे साफ करना होगा और वहां पे खेती करनी होगी 10 सालों के अंदर अंदर। 10 साल का यहाँ पे टाइम पीरियड अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। ऐसे में इनके द्वारा यहाँ पे बहुत सारी मेहनत की गई, ठीक है। जैसे जंगलों को काटना, ठीक है, वहां पे खेती करना। उसके बाद यहाँ पे मैप तैयार किया गया पूरी जितने भी यहाँ पे टेरिटरी थी उसका, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पिलर्स जो खंबे थे वो लगा दिए गए थे पूरी बाउंड्री, ठीक है, बना दी गई थी जो जो भी एरिया था। अब यहाँ पे जो संथाल लोग थे, ठीक है, ये तो यहाँ पे परमानेंटली खेती करने लगे थे, और जो पहाड़ी लोग थे, ठीक है, ये क्या थे, यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो करते थे। अब ये दोनों बिल्कुल ही अलग हो चुके थे, ठीक है, बिल्कुल ही यहाँ पे अलग अलग हो चुके थे यहाँ पे ये। जैसे ही यहाँ पे जमीनों को सीमांकृत किया गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो संथाल थे इनकी जो सेटलमेंट थी मतलब कि पॉपुलेशन, वो बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे इंक्रीज हुई। जैसा कि 1838 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो संथाल के गांव थे, विलेजेस थे, वो कितने थे, सिर्फ 40 थे। अगर 1855 की बात की जाए तो ये इंक्रीज हो गए 40 से कितने हो गए यहाँ पे 1473, ठीक है। इतने ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो गए थे, मतलब कि 40 से सीधा 1473, इतना ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो चुका था ये। अगर तो यहाँ पे पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो कितनी थी, 3000 से लेके यहाँ पे जो 82,000 थी, प्लस इससे भी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है ना, 3000 से 82,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे जो जमीन लोग थे वो इंक्रीज हो चुके थे, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन में भी बहुत बड़ा यहाँ पे इंक्रीज हो चुका था, अंतर आ चुका था। इनका जो यहाँ पे कल्टीवेशन जो जमीन थी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी थी, और यहाँ पे जो कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी जो तिजोरियाँ थी वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये खेती करते थे और उनका भी यहाँ पे टैक्स वगैरह यहाँ पे दिया करते थे। इनके द्वारा जैसे व्यापार वगैरह भी इनके द्वारा किया जाता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनकी जो तिजोरियाँ थी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी थी। और यहाँ पे जो पहाड़ी लोग थे उनको यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है, संथाल लोगों की वजह से। क्या हुआ, क्योंकि ये जो संथाल लोग थे ये तो खेती का अपना विस्तार करते जा रहे थे, ठीक है, जंगलों को काटते जाते थे, खेती करते जाते थे। ऐसे में जो पहाड़ी लोग थे उनके पास यहाँ पे क्या रास्ता था, वो जो जंगलों में पहाड़ों में और ज़्यादा अंदर तक चले जाते थे। अगर तो वो पहाड़ों में और ज़्यादा अंदर जा रहे थे, वहाँ पे जो ज़मीन थी वो तो बंजर ज़मीन थी, और यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका था, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाला, जैसे जो ऊबड़ खाबड़ वाला एरिया होता है, वहाँ पे खेती करना तो बहुत मुश्किल था। ऐसे में जो फर्टाइल लैंड थी, जो उपजाऊ जमीन थी, वो किसके पास थी, वो तो यहाँ पे संथाल लोगों के पास थी, और इनके पास क्या थी, यहाँ पे बिल्कुल ही बंजर जमीन थी। ऐसे में इनका जो प्रॉब्लम थी इनको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी, जो पहाड़ी लोग थे यहाँ पे। जैसे ये जो जंगल थे इनको यहाँ पे साफ किया जा रहा था खेती के लिए, जो यहाँ पे पहाड़ी जो शिकारी थे उनको भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। यहाँ पे जो संथाल लोग थे इन्होंने क्या करा, जो इनकी पहले वाली लाइफ थी उसको तो इन्होंने त्याग दिया, और यहाँ पे ये सेटल्ड हो गए परमानेंट खेती के लिए। यहीं पे वो सेटल हो गए थे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जो
इनके द्वारा कॉमर्शियल क्रॉप्स थी ठीक है मार्केट में, वो भी यहाँ पे उगाई जाने लगी और उनको वो मार्केट में बेच दिया करते थे जो यहाँ पे संथाल लोग थे। और ये क्या करते थे, ये डीलिंग करने लगे थे अब जो ट्रेडर्स जो व्यापारी लोग थे जो शाहूकार थे उनके साथ भी इनकी अब डीलिंग होने लगी थी, उनको भी यहाँ पे ये जो सामान था वो बेचने लग गए थे। क्लियर है? सो ऐसे में अब आएगा यहाँ पे कहानी में असली ट्विस्ट की क्या हुआ था। सो जो संथाल लोग थे उनके द्वारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की गई, पूरी एनर्जी के साथ यहाँ पे खेती की गई और यहाँ पे वो इस मुकाम तक पहुँच गए थे कि अब वो यहाँ पे जो भी खेती करते थे उनका यहाँ पे व्यापार करने लगे थे, दूर दूर के देशों में जगहों में वो बेचने लग गए थे जो भी सामान वो उगाते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो स्टेट थी ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने क्या करा, इनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिया। सो ज़्यादा टैक्स लगा दिया जहाँ पे ये खेती करते थे। अब ये भी समझ चुके थे कि हाँ भी इनको यहाँ पे मिस यूज़ किया गया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा इनका यहाँ पे शोषण किया जा रहा है। कि पहले तो इनको यहाँ पे ज़मीन दे दी गई थी क्योंकि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उनके यहाँ पे पकड़ में तो ये जो पहाड़ी लोग थे वो तो आ नहीं रहे थे। सो जो भी यहाँ पे काम थे वो इनके द्वारा किए गए थे। सो ऐसे में अब यहाँ पे इनकी तिजोरियाँ बढ़ चुकी हैं, इनकी पावर है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। अभी ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे टैक्स इनके ऊपर लगा रहे हैं। सो ऐसे में इनको भी समझ आ गया था जो संथाल लोग थे कि जो इनसे हाथ से अब ये ज़मीन है जो वो यहाँ पे खिसकती जा रही है। और यहाँ पे अगर तो इनको हाई टैक्स यहाँ पे देना था, अगर तो वो शाहूकारों के पास जाते थे तो वो क्या करते थे, इनसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ब्याज है वो वसूलते थे ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो शाहूकार थे जमींदार थे ये सभी किससे मिले हुए थे, ये भी तो सारे अंग्रेजों से ही मिले हुए थे। क्लियर है? सो ऐसे में इनके पास अब और कोई चारा नहीं था, इनका जो कर्जा था वो ना चुकाने की हालात में वो जो ज़मीन जो इनको दी गई थी वही उनसे ली जा रही थी। ये सभी बात को ये समझ चुके थे कि हाँ ये हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों किया जा रहा है ठीक है। सो 1850 के दशक में जो संथाल थे इन्होंने यहाँ पे विद्रोह कर दिया जमींदार के अगेंस्ट जो शाहूकार लोग थे और यहाँ पे जो कॉलोनियल स्टेट थी। सो इनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया। सो जैसे यहाँ पे संथाल जो रिवोल्ट था ठीक है। सो पहले यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ जैसे कि आपकी बुक में है। सो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ था। सो ये तो रहा इनका लीडर ठीक है, मुखिया संथाल जो यहाँ पे विद्रोह किया गया था जिसका नाम था सिद्धू मांझी ठीक है। और यहाँ पे इनके द्वारा ये लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों के साथ में क्योंकि जैसा कि कर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे थे, इनके द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत की गई थी, इतनी मेहनत से इन्होंने यहाँ पे खेती की थी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे वही इनकी जो ज़मीन थी उसको हड़पना शुरू कर दिया था इनके द्वारा। सो विद्रोहों के बाद जैसे ही विद्रोह खत्म होता है 1855 और 56 में, सो यहाँ पे जो संथल परगाना ठीक है इसको यहाँ पे बनाया गया था। सो इसको बनाने का मकसद क्या था यहाँ पे वो देख लेते हैं। सो उसके बाद क्या करा जो अंग्रेजों ने यहाँ पे बागलपुर और यहाँ पे जो बीरभूम, सो ये यहाँ पे जो जिले थे यहीं से इन्होंने जो 5500 स्क्वायर माइल्स, सो ये जो जमीन थी वो इन लोगों को यहाँ पे दे दी। सो आप यहाँ पे स्वतंत्र है, सो आप यहाँ पे खेती अब यहाँ पे जैसे मर्जी कर सकते हैं। सो यहाँ पे और स्पेशल लॉ इनके द्वारा यहाँ पे कानून भी बनाए गए थे, तब जाके ये थोड़े बहुत शांत हुए थे लोग। क्लियर है? सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा इनके बारे में कि क्या इनकी स्टोरी थी। बहुत इजी स्टोरी है, जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी क्रैमिंग नहीं करनी है, ऐसी ही जैसे स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। सो ऐसे ही आप इसको यहाँ पे पढ़ो और यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मैक्सिमम उनकी भी यहाँ पे मदद हो सके। सो एग्जाम टाइम आ रहे हैं, वैसे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। क्लियर है? सो मदद करना हमारा यहाँ पे फर्ज है, सभी को यहाँ पे कोचिंग मिलनी चाहिए, फ्री शिक्षा यहाँ पे मिलनी चाहिए। सो नेक्स्ट है यहाँ पे द अकाउंट्स ऑफ बुकानन ठीक है। सो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे बुकानन के बारे में, जो भी अकाउंट इसके द्वारा लेखा छोखा लिखा गया था। क्लियर है? सो यहाँ पे बुकानन का जो अकाउंट है उसके बारे में पढ़ने के दौरान ठीक है, इसके पहले हमें यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहिए कि जो बुकानन है ये कौन है। यहाँ पे ये एक एम्प्लॉय था ठीक
ठीक है, किसका एम्प्लॉय था ये? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय था। मतलब कि जो भी बातें इसके द्वारा लिखी जाएंगी वो किसके फेवर में लिखी जाएंगी? वो सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में लिखी जाएंगी। इट मीन्स हमें यहाँ पे आंख बंद करके यहाँ पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी इनके द्वारा यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे पहले क्रॉनिकल्स यहाँ पे लिखे गए थे, ठीक है, वो जो राजा के जो लोग होते थे उसके द्वारा लिखे जाते थे, वो राजा के खिलाफ यहाँ पे नहीं लिख सकते थे। सेम यहाँ पे है, क्योंकि जो इनका दाना पानी होता है, खाना पीना होता है, वो सभी इन लोगों से तो आता है, सो उसके खिलाफ ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिख सकते। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो उसने यहाँ पे बहुत जगह यहाँ पे ट्रैवल किया, उन्होंने सर्वे किया, ठीक है, जो भी कंपनी के द्वारा यहाँ पे कहा जाता था, जितना भी यहाँ पे ट्रैवल का कॉस्ट आता था, खर्च आता था, वो सभी किसके द्वारा दिया जाता था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पे दिया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे साफ कह दिया था, इसको पहले ही यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि इसने क्या क्या यहाँ पे देखना है, क्या क्या इसने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जो भी उनके द्वारा यहाँ पे कहा जाता था कि हाँ आप इस जगह पे जा रहे हो तो ये सभी बातें यहाँ पे आप लोगों ने लिखनी है, जो जो आपने वहाँ पे देखना है, ये सभी इसको पहले यहाँ पे बता दिया गया था, ठीक है, इसके अधिकारियों के द्वारा कि हाँ इस जगह पे। अब ऐसे नहीं कि ये सिर्फ ऐसे यहाँ पे चला जाता था, यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पे सेना, पूरी सेना भेजी जाती थी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था इसके बारे में, क्लियर है। सो जैसे ही ये गांव में पहुंचता था, ठीक है, अपनी आर्मी के साथ, जो भी इसकी आर्मी इसके साथ जाती थी, सो जो गांव के लोग होते थे वो इसको एक एजेंट के रूप में वहां पे देखते थे कि हाँ ये तो जो सरकार है यहाँ की, जो ब्रिटिश सरकार है उसका एक एजेंट है, उसके तौर पे यहाँ पे इसको देखते थे, ठीक है। वो वैसे भी नहीं पसंद करते थे कोई भी अगर बाहर वाला आ जाता है, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा, ठीक है, क्या क्या कहानी थी। जैसे यहाँ पे कंपनी की जो पावर है वो मजबूत हुई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुई कंपनी की पावर, इन्होंने यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनकी तलाश इन्होंने कर दी। और यहाँ पे क्या करते थे, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते थे उसको अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे और उसको यहाँ पे यूज़ करना चाहते थे इनके द्वारा। इन्होंने बहुत कुछ सर्च किया, जैसे मिनरल्स, ठीक है, स्टोन्स इनके द्वारा यहाँ पे सर्च किए गए, जो बहुत ही कमर्शियली जो वैल्यूएबल था, जिनकी बहुत ही हाई कीमत होती थी। और यहाँ पे जैसे आयरन, ठीक है, लोहा हो गया, मिक्का हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो इनके द्वारा यहाँ पे रिसर्च यहाँ पे किए गए थे, ठीक है, सर्च किए गए थे, उनको खोजा गया था। और यहाँ पे जो बुकानन था, जो उसकी देखने की परखने की जो नज़र थी वो तो बहुत ही लाजवाब थी, ठीक है, ऐसी बहुत ही कम लोगों की होती है। यहाँ पे वो देख के बता देता था कि हाँ इसका क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, आगे देखेंगे। बुकानन के द्वारा अगर वो कुछ भी लिखता था किसी भी लैंडस्केप के बारे में, और उसको यहाँ पे डिटेल में भी एक्सप्लेन करता था, डिस्क्राइब करता था कि एक्चुअल में क्या है, डिस्क्राइब करने के साथ साथ में वो क्या करता था, उसको ट्रांसफॉर्म करता था, मतलब कि उसको यहाँ पे बदल के देखता था कि अगर तो हम इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर तो चेंज करते हैं, इसको बदलते हैं, तो क्या क्या हमें इससे अच्छे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। उसकी ये जो परखने वाली जो नज़र थी वो बहुत ही लाजवाब थी कि अगर तो हम किसी भी वस्तु को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या उनसे क्या क्या प्रोडक्टिव उसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उसे ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। ऐसे में क्या क्या था, जैसे अगर वे किसी भी जमीन को यहाँ पे देखता था, वो ये देखता था कि कौन सी यहाँ पे क्रॉप यहाँ पे उगाई जाए, फसल कौन सी उगाई जाए जो कि यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे दे जाए, और यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज हैं जिनको यहाँ पे काटना चाहिए, ठीक है, कौन बहुत सारे ट्रीज जो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, जो उस सिचुएशंस के लिए, उस इन्वायरमेंट के लिए वो अच्छे नहीं होते, ठीक है। ऐसे में इसके द्वारा ये सभी बातें यहाँ पे नोट की जाती थी और क्या क्या यहाँ पे उगाया जाना चाहिए ये सभी इसके द्वारा यहाँ पे डिटेल में लिखा जाता था। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट, जो जंगलों में लोग रहते थे, उनका जो लाइफस्टाइल था उसके बारे में इसने बहुत ज़्यादा आलोचना वगैरह की थी। ये इसको इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, ठीक है, जैसे इनका जो रहना सहना था बिल्कुल ही, जैसे इनके द्वारा कहा गया था कि ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं, असभ्य लोग हैं, ठीक है, इनको रहने का बिल्कुल भी नहीं पता, सो इसके बारे में क्रिटिसाइज किया गया था बुकानन के द्वारा। और इसके द्वारा यहाँ पे महसूस किया गया था कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, इनको यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर देना चाहिए, जितने भी यहाँ पे जंगल हैं उसको काट के एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर देना चाहिए, इसके द्वारा यहाँ पे कहा गया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो सेकेंड टॉपिक है हमारा,
वो कवर हो चुका है। सो जो पार्ट थर्ड आएगा उसमें जो थर्ड टॉपिक होगा वो सारा हम यहाँ पे कवर करेंगे पार्ट थर्ड में। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। सो मैक्सिमम अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे शेयर करें, सो उनकी भी यहाँ पे मदद हो सके। सो एट लास्ट अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम तो अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो भी यहाँ पे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं। सो थैंक यू गाइस, हैव अ फैंटास्टिक डे।